आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, इन समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो हमारे पास एक समीकरण दिया गया, हमें उन्हें संतुलित यानी कि बैलेंस करके बताना है। Fe प्लस H2O जब यानी कि यहाँ पे आयरन लोहा की क्रिया जब हम जल के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, Fe3O4 और H2। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण दिया गया है दोस्तों, हमें इसे संतुलित करना है। यानी कि हम लिखेंगे Fe धातु की क्रिया जब जल के साथ हो रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जब Fe धातु को जल के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है, एक ताप पे गर्म ही करेंगे, तो ये क्या बनाएगा दोस्तों, Fe3O4। ठीक है, यानी कि आयरन 3 ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसे संतुलित करके बताना है। तो ये दिया गया Fe3O4, यानी कि क्या बना रहा, आयरन 3 ऑक्साइड, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 3Fe। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, O4। ठीक है, तो यानी कि H2O दिया गया है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, O4, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4H2 होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे संतुलित करते हैं, अर्थात यहाँ पे जो हमें प्राप्त हो रहा है क्या है, ये हमारा हो जाएगा आयरन। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये H2O यानी कि जल, ये हमारा हो जाएगा आयरन थ्री ऑक्साइड। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर, अर्थात इसका संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, हमने किस प्रकार से संतुलित किया दोस्तों, Fe3O4 मिल रहा है हमें। ठीक है, यानी कि आयरन 3 ऑक्साइड, यहाँ पे 3Fe हो गया, O4 होने के कारण जल में क्या हो जाए, ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 परमाणु, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4H2O, और ये हमारा हो गया 4 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।